एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव विथ अस। कैसे हैं आप लोग सब? तो सबसे पहले ये मैं अपना गैस स्टोव दिखा रही हूँ, जो कि ज़्यादा डर्टी नहीं है, बट अगर ज़्यादा डर्टी होता भी तो मैं इसी तरीके से उसको साफ़ करती हूँ। ये देखिए, ये तो अब मैं अब इसे साफ़ करना स्टार्ट कर रही हूँ और मैं डेली इसी तरीके से इसको क्लीन करती हूँ, तो वो पूरे टाइम चमकता रहता है। ये नॉर्मल डिश सोप का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो सोप हो आप यूज़ करें, बट डिश सोप से ही हम लोग ये साफ़ करते हैं, मोस्टली इसी का यूज़ करते हैं। और ये जो स्क्रब रहता है बर्तन जब धोते हैं उस टाइम पे यूज़ करते हैं, उससे मैं अच्छे से इसके पे जो जमा हुआ रहता है उसको क्लीन कर रही हूँ। और हमेशा आप इसी की हेल्प से करें, और जब हम लोग ज़्यादा हो जाता है तो हम नाइफ़ की हेल्प से जो भी चिपका हुआ रहती है उसमें जो भी ऑयल वगैरह चिपका रहता है उसको निकालते हैं। और इस पर पहली चीज़ ये है कि इस टाइप के इंडक्शन स्टोव में आप कितना भी रब कर लो, इस पर स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं। तो आप इस टाइप के जो स्क्रबर आते हैं, जो आयरन का रहता है कि स्टील का रहता है, तो उससे आप स्क्रब करें और सबसे पहले सारी जितनी भी डर्टी है उसको अच्छे से स्क्रब कर करके निकालें। यहाँ पर थोड़ा स्पंज वाले जो स्क्रब रहता है उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर लेकर आई हूँ, तो पानी उसमें से उससे बहुत ज़्यादा फोम टाइप का निकल आएगा, तो मैं अब पानी उसमें ऐड करके उसको स्क्रब कर रही हूँ। किसी भी कपड़े से या टिश्यू से उसको पोंछ लें और अच्छे से पोंछ कर उसको क्लीन कर लें। तो कपड़ा वगैरह अगर यूज़ करना है तो कपड़ा चेंज कर कर भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राई ड्राई कपड़े से ही पोंछना है और गीले कपड़े से नहीं पोंछना है, क्योंकि अगर गीले कपड़े से पोंछेंगे तो सोप और बनने लगेगा और ये अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगा। और इस तरीके से आजू बाजू से भी सब जगह से अच्छे से पोंछ लें। मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और डेली मैं इसी तरीके से रात में सोते टाइम या दिन में एक बार मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, सो डैट कुकिंग करने में भी थोड़ा मज़ा आता है। और अगर गैस स्टोव, और मुझे इस टाइप के इंडक्शन वाले बहुत पसंद है, मुझे ना गैस पसंद है ना वो ग्रिल वाले। पहले कुछ अपार्टमेंट में हम लोग जब मूव किया था वहाँ थे, तो उन्हें क्लीन करने में बहुत मेहनत लगती है, इसे क्लीन करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, बहुत ईजी है इसको क्लीन करना। ये देख लीजिए कि अभी देख लीजिए कितना शाइन करने लगा है ये। अब मैं कोई भी ये डिसइंफेक्टेंट वाइप्स है एंड में उसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और डिसइंफेक्टेंट वाइप का मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, मैं पहले भी यूज़ करती थी, इवन घर में पोछा वगैरह लगाने के लिए भी, कोरोना वायरस नहीं था तब भी मैं उसी का यूज़ करती थी, तो वो अच्छा रहता है, क्लीन रहता है। और ऊपर जो उसके नॉब्स वगैरह हैं उनको भी इसी से क्लीन करूँगी। और बहुत अच्छे से देखिए स्टफ मेरा अच्छे से शाइन करने लगा है।
और इसी तरीके से आप क्लीन करें तो आपका स्टफ़ हमेशा शाइन करता रहेगा और चमकता दमकता रहेगा। और इस टाइप के स्टोव मुझे बहुत पसंद है और आई डोंट नो इंडिया में मिलता है कि नहीं, अगर मिलता होता तो मैं ज़रूर इस टाइप का स्टोव ही, इलेक्ट्रिक स्टोव रहते हैं और इसमें गैस की ज़रूरत नहीं रहती है और बहुत अच्छा रहता है, ये रिस्की भी नहीं रहता, इंडक्शन स्टोव रहते हैं और इसमें कुकिंग करने भी मज़ा आता है और इजी टू क्लीन रहता है। ये देखिए मेरा स्टोव तो चमकने लगा, नीचे जो हैंडल है उसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ और इसी तरीके से मैं अपना माइक्रोवेव भी, माइक्रोवेव तो सिर्फ डिसइंफेक्टेंट वाइप से क्लीन करती हूँ मैं, बाकी सब नीचे जो ओवन है उसको भी ऐसी स्क्रब कर करके सारा जितना भी डर्ट होता है वो पूरा निकाल देती हूँ। तो ये देखिए मेरा स्टोव नीट एंड क्लीन रेडी है कुकिंग के लिए। तो चलिए गाइस, आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा छोटा सा आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, और मेरे चैनल को प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।